नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ आशा श्री एल सी जपा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुद्दुगुदुर। तो हमारे चैनल का नाम है शिक्षा की राह पर हमारे कदम। कौन सा है हमारा चैनल? शिक्षा की राह पर हमारे कदम, यह हमारे चैनल का नाम है। तो फिर छात्रों, मैं आज नवीं कक्षा से संबंधित एक बात आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए उससे पहले हम एक वीडियो क्लिप को देख कर आते हैं। वचन। एक छोटे से गांव में हारू नाम का एक बालक रहता था। वो कद में बहुत छोटा था तथा उसकी नाक चिपटी थी। वो निर्धन था तथा पिता के ना होने के कारण मां ही सब देखरेख करती थी। कठिन परिश्रम करके भी वो कम पैसा कमा पाता था क्योंकि वो अशिक्षित था। फिर भी उसकी मां उसे प्यार से पालती थी। वो धीरे धीरे युवक बन गया। तुम्हारी नाक चपटी है। तुम्हारी नाक चपटी है। हारू की नाक चपटी है। वो क्रोधित तो होता था किंतु असहाय था। समय बीतता गया। एक दिन उसकी मां का निधन हो गया। हारू इस असहनीय पीड़ा को सहते हुए अकेले बैठा अपनी मां की याद में रोता रहता था। एक दिन गांव का एक वृद्ध उससे मिलने आया। हारू, चिंता मत करो, तुम्हारी मां ने इतने वर्षों तक तुम्हारी इतनी देखभाल की है, अब तुम विवाह कर लो, सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। वृद्ध द्वारा विवाह करने की सलाह सुनकर हारू प्रसन्न हो गया। महोदय, मैं कल आपको अपना निर्णय सुनाऊंगा। हारू मन ही मन विवाह के सपने देखने लगा, किंतु उसने निर्णय लिया कि वो सुंदर लड़की से विवाह नहीं करेगा, अन्यथा वो भी औरों की तरह उसकी हंसी उड़ाएगी। ऐसा निर्णय लेकर वो दूसरे दिन वृद्ध से मिला। महोदय, मैं विवाह के लिए सहमत तो हूँ किंतु किसी सुंदर लड़की से विवाह नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसा क्यों बेटे? महोदय, फिर वो भी दूसरों की तरह मेरी चिपटी नाक की हंसी उड़ाया करेगी। अच्छा तो ठीक है हारू, मैं इस बात से खुश हूँ कि तुमने विवाह करने का निर्णय लिया। मैं तुम्हारे सोच की लड़की खोजने का प्रयास करूँगा। कुछ दिनों के बाद वृद्ध को पास के गाँव में एक चिपटी नाक वाली लड़की मिल गयी। उसने हारू का विवाह उससे करवा दिया। हारू उससे विवाह करके बहुत खुश था। उसने सोचा अब सभी कठिनाइयों का अंत हो गया। दो चपटी नाक वाले, पहले तो ये अकेला था, अब दो चपटी नाक वाले हो गए। दो चपटी नाक वाले, चपटी नाक वाले, दो चपटी नाक वाले। हारू ने इसे रोकने का बहुत प्रयास किया पर सब बेकार रहा। उसने लोगों को गलियों में दौड़ाया, बड़े लोगों से शिकायत की, आपका पुत्र मेरी हंसी उड़ाता है, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में उसने सोचा कि अब वो उस भगवान से ही प्रार्थना करेगा जिसने उसे चिपटी नाक वाला बनाया है। प्रिय, मैं जंगल में एक अत्यंत ही आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूँ, तुम घर पर ही रहो तथा मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। हारू ने जंगल में जाकर बिना हिले डुले तथा किसी भी बात को ना सुनते हुए भगवान का ध्यान लगाया।
पूरे दिन ध्यान लगाने के बाद भगवान प्रकट हो गए। हारू भगवान को सामने देखकर प्रसन्नता से उछलने लगा, फिर हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हो गया। मैं प्रसन्न हुआ, बताओ क्या चाहते हो? भगवान, आप मेरी प्रार्थना सुने तथा मुझ पर दया करें। मैं तुम्हें 3 वचन देता हूँ हारू, घर जाकर पासे को 3 बार फेंकना तथा तुम 3 वचन मांगना, तुम्हारे 3ों वचन अवश्य ही पूरे होंगे। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। पत्नी को ये समाचार देने के लिए हारू दौड़ता हुआ घर पहुंचा। जानती हो, भगवान ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट होकर मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं कोई भी 3 वचन मांग सकता हूँ। सबसे पहले आप धन मांगिए। नहीं नहीं, हमें धन की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, तुम्हारी और मेरी नाकें चिपटी हैं। सबसे पहले हम दोनों सुंदर नाकों का वचन मांगते हैं। नहीं, पहले आप धन मांगिए। हारू की पत्नी सबसे पहले धन चाहती थी, इसलिए उसने हारू को पासा फेंकने से रोकने का प्रयास किया। रुक जाओ। इस बात से हारू क्रोधित हो गया और उसने पासा फेंका। प्रभु, मैं अपना पहला वचन मांगता हूँ। हमें सुंदर नाके चाहिए प्रभु, और कुछ नहीं, केवल सुंदर नाके चाहिए। अचानक उनके पूरे शरीर पर नाक ही नाक निकल आई। दोनों हैरान हो गए। प्रिय, तुम तो अत्यंत कुरूप लग रही हो। आप भी मेरे समान कुरूप लग रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? दोबारा वचन मांगिए। हारू ने दोबारा पासा फेंका। भगवान, कृपया हम पर दया कीजिए, अब हमें ये नाके नहीं चाहिए, कृपया इन्हें वापस ले लें। तुरंत नई नाकों के साथ साथ पुरानी नाक भी गायब हो गई। नाक के बिना दोनों और अधिक कुरूप लगने लगे। स्वामी, हमने तो अपनी चिपटी नाक भी गवा दी। हाँ, मैंने भी। अब हम क्या करें स्वामी? 2 वचनों से हमें वो कुछ भी नहीं मिला जो हम सच में चाहते थे। कृपया पासे को फेंक कर आप अपनी पुरानी नाक वापस मांग लीजिए। ठीक है, बिना नाके हम अपने इस धन का क्या करेंगे प्रिय? हारू ने तीसरी और अंतिम बार पासा फेंका। हे भगवान, कृपया हमें क्षमा करें तथा हमारी पुरानी नाक वापस दे दें। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली तथा पुरानी नाक वापस आ गई। शिक्षा। अवसर एक बार के बाद दोबारा नहीं मिलता। जो अवसर का सही बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग कर लेता है, वही सफल जीवन व्यतीत करता है। हाँ, तो फिर आप लोगों ने वीडियो क्लिप को देखा है ना, कैसा था? हाँ, बहुत बढ़िया था। यानी इसमें हम एक नैतिकता है ना, नैतिकता दर्शाने वाली एक कहानी हमने यहाँ पे देखी, जो नीति परक है ना। नीति परक अंदरे नैतिकते अथवा नैतिक मौल्य बनाकर कच्चे नोड़े अल मकले रीतिया नैतिक विचार महान व्यक्तिया परिचय पड़ियों आ पाठद स्वामी विवेकानंद कहे पाकना स्वामी विवेकानंद इस पाठ के लेखक का नाम है डॉक्टर जगदीश चंद्र। कौन है इस पाठ के लेखक है? डॉक्टर जगदीश चंद्र इस पाठ के लेखक है। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय पाएंगे यहाँ पे। जैसे के लेखक के परिचय में इस पाठ के लेखक का नाम है डॉक्टर जगदीश चंद्र। आप इन्होंने भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियां लिखी हैं। यानी हमारे भारत के जो महान पुरुष हैं, उनको बताने वाले या उनके आदर्शों को यहाँ पे बालक बालिकाओं को सिखाने के लिए बहुत सारे ऐसे महान पुरुषों की
जीवनियां इन्होंने लिखी है किसके लिए? हमारे जैसे और आप जैसे, है ना, छात्रों के लिए, सीखने के लिए। यानी कि इसमें अंदर जो नीति है उसको सीखने का, सिखाने का प्रयास ये हमें कर रहे हैं। तो ऐसे मान लेती है कौन? डॉक्टर जगदीश चंद्र। अब इसके साथ साथ हम अब यहाँ पे देखेंगे कि इस पाठ में आए कुछ नए शब्दों की जानकारी हम यहाँ पे पाएंगे, सही है ना? तो फिर अब हम शब्दार्थ यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो पहला शब्द है यहाँ पे घराना। घराना का अर्थ क्या है? कुल। कुल का अर्थ जैसे कि हम बोलते हैं मनेतना, कन्नड़ में क्या कहेंगे? मनेतना। फिर दूसरा है यहाँ पे भ्रमण करना। भ्रमण करना का अर्थ है घूमना, घूमना है सुत्ता अर्थ करना है दो। फिर तीसरा है प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित का अर्थ है यहाँ पे प्रसिद्ध। प्रतिष्ठित का अर्थ क्या है? प्रसिद्ध है, कन्नड़ में भी हम प्रतिष्ठिता प्रसिद्धा अंतर है कहे गए। फिर चौथा है यहाँ पे धर्मपरायण। धर्मपरायण का अर्थ है धर्म का पालन करने वाला, जो धर्म का पालन करते हैं उसे क्या कहेंगे? धर्मपरायण कहेंगे, कन्नड़ अनुकूल धर्मपरायण अंतरी कहते हुए। फिर पांचवा है सुडाव। सुडाव का अर्थ है सुंदर आकार वाला। सुडाव का अर्थ क्या है? सुंदर आकार वाला, मतलब सुंदर वायु नाम सुडाव अंतरी कहते हुए। फिर रुचि। रुचि का अर्थ है यहाँ पे आसक्ति, अभिरुचि आसक्ति। फिर सातवां है व्याख्यान। सातवां क्या है? व्याख्यान यानी कि भाषण। भाषण वाला मार्टक अंदर तो व्याख्यान वाला नीत कर खाते हैं ना वो व्याख्यान नहीं है जो है। फिर आठवां है आदान प्रदान। आदान प्रदान का अर्थ है लेना देना, लेना और देना। तभी तो लोग तो बनते करते करते विचार विनिमय मार्टक करते करते देना ना वो आदान प्रदान तभी करते हुए। फिर नवा शब्द है यहाँ पे जिज्ञासा। नवा शब्द क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। कन्नड नाम जिज्ञासे अंखेले, जिज्ञासे अंखेले भी नाम कहने में। फिर दसवां शब्द है तत्व ज्ञान। दसवां क्या है? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान, जिसके कन्नड में भी हम इसको तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान अंखेली कहते हुए। फिर ग्यारहवा शब्द है जताना। जताना का अर्थ है बताना, तोर्स करना है। बताना मीन्स तोर्स करना है ना, ना वो जताना कहते हैं। फिर ग्यारहवा शब्द है यहाँ पे, बारहवा शब्द है ये श्रोतागण। श्रोतागण का अर्थ है सुनने वालों का समूह, सुनने वालों का समूह। जैसे कि अंग्रेजी में हम ऑडियंस बोलते हैं, है ना, प्रेक्षक जो बोलते हैं उसको श्रोतागण कहा जाता है। फिर तेरहवा शब्द है यहाँ पे मुग्ध। मुग्ध का अर्थ है मोहित, कन्नड़ में तो ना वो मुग्धा मोहिता अंखेड़ी कहते हुए। फिर मर्म। मर्म का अर्थ है यहाँ पे भेद या रहस्य, मर्मा कन्नड़ में मर्मा कहेंगे, भेद या रहस्य, रहस्य वाली कन्नड़ ना वो मर्मा अंखेड़ी कहते हुए। फिर चौदहवा शब्द है ललकार। ललकारने का अर्थ है यहाँ पे चुनौती या चैलेंज, चुनौती या चैलेंज। ललकारना अंदर ये चैलेंज आगे तो तक कहते हैं ना मेरे तो कहते हैं ललकार अंदर कहते हैं। फिर पंद्रहवा शब्द है यहाँ पे परलोक सिधारना। क्या है वो? परलोक सिधारना का अर्थ है यहाँ पे मरना या देहत हो जाना। ऐसे इस पाठ में आए कुछ नए शब्दों की जानकारी हमने यहाँ पे प्राप्त की। तो फिर छात्रों हमने यहाँ पे शब्दों का अर्थ भी यहाँ पे देख लिया, शब्दार्थ गणना भी तिरुपण भी। ಈಗ ಪಾಠವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ವಾಚನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ನಿ ಅಪ್ನಿ ಕಿತಾಬೋ ಮೇ ಠೀಕ್ ಸೇ ಆಪ್ ಇಸ್ಕೋ ದೇಖ್ತೆ ಜಾಯೆಂಗೆ। ಹಾಂ, ತೋ ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೈ 3 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಔರ್ ಇಸ್ಕೆ ಲೇಖಕ ಹೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ। ಭಾರತ ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಮೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾ ನಾಮ ಅಮರ ಹೈ। ಇಸ್ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ನೇ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಮೇ ಭ್ರಮಣ ಕರ್ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ
और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। है ना छात्रों, तो इस तरीके से पाठ को पढ़ा जाता है। आप अपना किताब में देखकर पूरे पाठ को पढ़ेंगे। अब फिर मैं इसका अर्थ आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, भारत के इतिहास में पूरे भारत के इतिहास में विवेकानंद जी का नाम अमर है। किसका नाम अमर है? स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। आप उनका चित्र देखें, देखिए, है ना, ये कौन है? स्वामी विवेकानंद है, देखा ना। हाँ, तो इनका नाम अमर है। और इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर, सिर्फ देश में ही नहीं, देश और विदेश में भ्रमण कर इन्होंने क्या किया, किसका प्रसार किया? भारतीय धर्म और दर्शन का, भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार इन्होंने पूरे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इसका प्रसार उन्होंने किया। तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। कौन सा नया मार्ग दिखाया? समाज सेवा का। समाज सेवे या मार्ग बनाए तो कटो अंदर स्वामी विवेकानंद इवर हेसरु भारत इतिहास अमर उल्दे इवर नम भारतीय धर्म मत दर्शन शास्त्र बेचे इडी भारत देश विदेशगळल्लू प्रसारवन्न माडिदारे। स्वामी विवेकानंद का जन्म, इवर जन्म 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म कहां हुआ? कलकत्ते में। कहां पे हुआ? कलकत्ते में। और कौन से घराने में हुआ? कायस्थ घराने में। कायस्थ जो घराने का नाम है इवर मन भुवनेश्वरी देवी। इनकी माता का नाम क्या है? भुवनेश्वरी देवी इनकी माता है। और इनकी माता धर्मपरायण महिला थी। और उनके पिताजी जो थे वो एक प्रतिष्ठित वकील थे। और वो प्रतिष्ठित वकील आगिद्रु। हागे इवर ताई भुवनेश्वरी देवी अवरु धर्मपरायण स्त्री आगिद्रु। समझ गए ना? हाँ। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ सुडौल और सुंदर था। भारत कौन है? बालक नरेंद्र जो है इनका शरीर स्वस्थ और सुंदर सुडौल था। स्वस्थ स्वास्थ्य कूड़ी सुंदरवा शरीर इवरदू आगे। कुश्ती लड़ने दौड़ लगाने घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। इन्हें किसमें ज्यादा आनंद मिलता था? कुश्ती लड़ने में, है ना, दौड़ लगाने में, घुड़सवारी करने में, तैरने में, है ना। कुश्ती लड़ना कुश्ती आता करता है। दूसरा क्या है? घुड़सवारी कुदरे सवारी। फिर तीसरा है तैरने में और दौड़ लगाने में। वोट दली इनकी तुम्हें आ सकती इतु। इन सब से इन्हें आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। वे अवल संगीत हागू आट ओटगळल्लू कूड इंत स्पर्धेगळल्लि इवरु भागवहिसुत्ता इद्दरु। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता का अर्थ क्या है यहाँ पे? स्पर्धा। स्पर्धा में भी ये भाग लिया करते थे, है ना, ये भी आप समझ गए। फिर देखिएगा, नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। तेज तीक्ष्ण कई किसमें वो बहुत ही तेज थे। बचपन से ही अपने बाल्यावस्था से ही ये पढ़ने और लिखने में बड़े तेज थे। वे अपने स्कूल में
सर्वप्रथम रहा करते थे। हर समय हर एक में ये अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। एंट्रेंस परीक्षा में है ना, एंट्रेंस परीक्षा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण आगे बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन आरंभ किया। बीए की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण किए, पास करने के बाद इन्होंने कानून का अध्ययन यहाँ पे प्रारंभ किया। कानून विषय तब विद्याभ्यास आरंभ माड़ी। इसी बीच में इन उनके पिता का देहांत हो गया। इधर मध्य इवर तंदे अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। जब ये अध्ययन काल में थे, जब ये पढ़ाई कर रहे थे, उस समय ये ज्यादातर किसमें इनकी रुचि थी? व्याख्यान देने, भाषण करने में। व्याख्यान वाला नृत्य करने का भाषण वाला कार्यदली अभिचियन उल्लवर विचारों का आदान प्रदान करना, तम विचार आदान प्रदान विचार विनिमय तुम्बे रुचियन अभिचियन इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी। इसी कारण क्योंकि इनकी रुचि थी किसमें? विषयों के आदान प्रदान करने में और क्या है व्याख्यान देने में की रुचि होने के कारण अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति की इन्होंने स्थापना यानी उसको बनाई और हर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी इन्होंने किया, संगठन भी इन्होंने किया। करने के पश्चात देखिएगा पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया, न केवल हमारे भारत का। पाश्चात्य विज्ञान पाश्चात्य विज्ञान मत दर्शन शास्त्र अध्ययन किशोरावस्था से ही नरेन दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। किशोरावस्था अपने किशोरावस्थे ये नरेन दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। धार्मिक विचार एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। किसके पास पहुंचे? ये रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। रामकृष्ण परमहंस का चित्र देखे हम लोग? नहीं ना? हाँ, तो फिर ये देखिए रामकृष्ण परमहंस जी का यह चित्र है, देखा ना? हाँ, तो रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा, उनकी जो इच्छा थी, रुचि थी, उसको उन्होंने उनके सामने कह सुनाया। सुनाने के बाद देखिएगा रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। इनकी जिज्ञासा को देखकर इवर जिज्ञासे न नोड़ी रामकृष्ण परमहंसरु अवर्गे शिष्यरन्नागि स्वीकार माड्कोळ्तारे। समझ गए ना छात्रों अर्थात अल्वा? हाँ, फिर अब हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या कर लिया, अपना शिष्य स्वीकार कर लिया, उन्हें अपना शिष्य उन्होंने बना लिया। ऐसा होने के बाद स्वामी हाँ परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। अब स्वामी विवेकानंद जी जो थे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से इतने प्रभावित हुए कि उनके आदर्शों का उनके आदर्श जो थे उनको सारे विश्व में प्रसार करना उन्होंने चाहा। अंदर इवर एष्टु तम गुरुगळिंद प्रभावित आगिद्रु अंतंद्रे अवर आदर्शगळन्न न केवल नम्म ಭಾರತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅವುಗಳ ಆದರ್ಶಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಅವರು ಉಳ್ಳವರು ಆಗಿದ್ರು, ಅವರ ಆಸೆ ಕೂಡ ಅದು ಆಗಿತ್ತು। ಜನತಾ ಕೋ ಸತ್ಯ ಕಿ ರಾಹ ದಿಖಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಿತಂಬರ್ ಸನ್ 1893 ಕೋ ವೇ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಅಮೆರಿಕಾ ಗಏ ಹೈ ನಾ। ಜನತಾ ಕೋ ಸತ್ಯ ಕಿ ರಾಹ ದಿಖಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸತ್ಯ ಕಿ ರಾಹ ಕೌನ್ ಸಿ ಹೈ जो कि अपने गुरु के आदर्श जो थे उन आदर्शों का अब जो जनता है उनको सत्य की राह सत्य का मार्ग बना तोरस लिख के ये कहां गए?
सितंबर में, सितंबर है ना, सितंबर सन 1893 सितंबर साल 1893 वे कहाँ गए? संयुक्त राज्य अमेरिका गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप होकर जहाँ जो शिकागो में, शिकागो नगर जो है या शिकागो जो है वहां पे सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। क्या हो रहा था वहां पे? सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। तो इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्व ज्ञान पर भाषण दिया। क्या किया उन्होंने? भारतीय धर्म और तत्व ज्ञान का भाषण उन्होंने कहां पे? अमेरिका का जो नगर है, महानगर कौन सा है वो? शिकागो, यानी कि शिकागो नगर में उन्होंने हमारे भारतीय धर्म और तत्व ज्ञान पर उन्होंने भाषण वहां पे दिया। और देखिएगा, उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदय स्पर्शी था। उनका भाषण कैसा था? बहुत ही गंभीर और हृदय स्पर्शी, हृदय को छूने वाला, दिलों को छू जाने वाला भाषण उन्होंने वहां पे किया। तो ये भाषण तुमने गंभीर हृदय भाषण अली कोट्रु। फिर उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। वाणी यानी कि उनकी बातें, उनका भाषण सुनकर लोग जो वहां पे बैठे थे, श्रोतागण जो बैठे थे, वो मंत्र मुग्ध हो गए। मीन्स अपने आप में वो इतने तल्लीन हो गए कि सुनते सुनते उन्हें और अच्छा लग रहा था और इनका भाषण सुने। अंदर इवर भाषण इवर वाणी वाणी अंत इवर मातुगळु केळि मुग्धवागिरतक्कंतह मधुरवागिरतक्कंतह वाणी केळि एल्लरू कूड मंत्रमुग्धर अल्लि आगिर्तारे। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे। कुछ समय तक यानी कि कुछ वर्षों तक वे अमेरिका में ही रहे। सुमार वर्षगळ काल अवरु अमेरिकादल्ले इद्दरु। और अपने भाषणों द्वारा तम्म भाषणगळ मुखांतर लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। जनरिगे त्याग मते संयम, त्याग और संयम का पाठ उन्होंने अपने भाषणों द्वारा अमेरिका में कुछ सालों तक करते ही रहे। फिर देखिएगा, इसके बाद में इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए। इसके बाद अमेरिका के शिकागो में भाषण दिया। अमेरिका में कुछ साल रहे, अपने भाषण द्वारा त्याग और संयम का पाठ ये देने लगे, पढ़ाने लगे। और फिर इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी ये गए। जाने के बाद क्या किया? वहां उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। सत्य और क्या है? सत्य और धर्म, भारतीय धर्म और सत्य के बारे में वहां पे भी उन्होंने उसका प्रसार किया। करने के साथ साथ हमारे भारत का गौरव क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ाने का काम उन्होंने वहां पे किया। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। जहां जहां पे विदेश में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो वहां के जो विदेशी लोग थे वे भी इनके अनुयायी या शिष्य वहां पे बन गए। अवरु कूड विदेशी विदेशद जनरू सह इवर शिष्यरागलिक्के आरंभ आयितु। फिर उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है। इंतह अनुयायी इंतह शिष्यरली मार्गरेट कौन है वो? एलिजाबेथ। मार्गरेट एलिजाबेथ जो है ये इनकी प्रमुख शिष्य वहां पे बन गई, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। इनको फिर बाद में क्या नाम इनको रखा गया? सिस्टर निवेदिता के नाम से यह प्रसिद्ध हुई। तो इनका पहला नाम क्या है? मार्गरेट एलिजाबेथ। तो इस तरह इन्होंने अपने कार्य को यहाँ पे संभाल लिया। समझ गए ना छात्रों? तो फिर छात्रों यहाँ तक है ना, हम लोगों ने यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों को उन्होंने कैसे न सिर्फ देश में, विदेशों में कैसे उसका प्रसार किया, ये सब हमने यहाँ पे देखा। तो इसका जो अगला भाग है हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो इसमें आने वाले कुछ व्याकरण अंश को हम यहाँ पे देखेंगे। हाँ, तो फिर इसमें आने वाले जो व्याकरण अंश में पहले देखते हैं हम, रिक्त स्थान भर के सार्थक शब्द बनाना। रिक्त स्थान यहाँ पे भरना है। एक नमूना यहाँ पे दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण को आधार
शब्द हमें बनाना है, यदि सार्थक तो शब्द बने और ना हो रचने मान ले। तो यहाँ पे किया गया जैसे कि वा वे लगाया विवेक सवेरा विवेक सवेरा बुचाने ऐसे यहाँ पे शब्द बन गया, सही है ना। हाँ तो ऐसे ही अब यहाँ लिखिएगा ऊ है धी है अ है र है, क्या करें कौन सा अक्षर डालेंगे यहाँ पे? हाँ तो वो है उपाधि, है ना, उपाधि उपाधि बनाया तो ये क्या हो गया यहाँ पे अपा, यहाँ उपाधि है यहाँ क्या हो गया है ये अपा बन गया। वैसे भी अच्छा करना। हाँ तो फिर यहाँ पे जो दूसरा है स है टी है आ है त है, तो ये शब्द जो आपके पास में आया है।
फिर क्या बनाएंगे? अरे क्या बनाएंगे? हाँ क्या है वो? सवारी। सवारी बनाए। फिर क्या है? हाँ गुड़ हो गया, सवारी हो गया। हाँ अब यहां पर लिखेगा, डाको निकाल दीजिए, क्या बनेगा? हाँ घुस, घुसना। हाँ फिर अंत का जो है क्या है वो? क्या है? वारी। वारी जो शब्द हमने पहले ही सीखा है, इस शब्द का मतलब तो इस तरीके से यहाँ पे चार नए शब्द हमने बना लिए। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा जो शब्द है परमहंस। क्या है वो? परमहंस। तो यहाँ पे हमें फिर नए चार शब्द यहाँ पे बनाना है, जिसके वाक्य में ही सरस माफ कीजिएगा जो शब्द में ही हमें दो नए शब्द मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं वो? हाँ एक है परम, एक परम है, दूसरा क्या है? हंस है। ये दो तो शब्द हमें मिल गए, परम मिला, हंस भी मिल गया, और हमें दो बनाना है। जैसे कि एक कौन सा बन सकता है? पर, परा, पर बन गया, और क्या है? हाँ रमना, रम, और क्या बन सकता है? सर, देखिएगा सर, सरा, सर। हाँ तो फिर दूसरा जो शब्द है परम हंस से हमने परम हंस पर सर, इस तरीके से चार शब्द हमने यहां पे बनाए, सही है ना? हाँ अब तीसरा शब्द है यहां पे अंधविश्वास। तीसरा क्या है? अंधविश्वास। तो यहां पे क्या बनाएंगे? इसमें पहले ही वाक्य शब्द में ही दो बन जाएंगे, एक है अंध, एक क्या है? अंध यानी कि अंधा, और एक विश्वास। विश्वास है, और क्या बना सकते हैं? वी को छोड़ दीजिएगा, क्या बनेगा? श्वास। श्वास बन गया। अब फिर क्या बना सकते हैं यहां पे? हाँ क्या बना सकते हैं? अंध, विश्वास हो गया, श्वास हो गया, और एक शब्द बनाना है हमें, क्या बनाना है? हाँ विश्व। क्या बना सकते हैं? विश्व। बड़ी आपकी मात्रा वहां पे निकाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा? विश्व बन गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कितने चार फिर नए शब्द यहाँ पे बनाए। अब भारतवासी है, चौथा शब्द क्या है? भारतवासी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? भारत तो है ही, वासी भी है। हाँ भारत, दूसरा क्या है? वासी। फिर हाँ भारत हो गया, वासी हो गया, फिर क्या बनाएंगे? हाँ सही सही क्या है? भात, भात, भात यानी खाना, चावल है ना, भात है। फिर हाँ क्या है? हाँ क्या है वो? भार, भार संभालना है ना, कार्यभार संभालना, भार, भार। देखिए हमने यहां पर कितने शब्द बनाए? चार। एक है भारत, भारत लिखा है मैंने, हाँ भारत, और एक है वासी, और भार, और एक क्या है? भार। ऐसे हमने यहां पे चार नए शब्द बना लिए। अब यहां पे एक शब्द है पांचवा, विवेकानंद। क्या है वो? विवेक।
विवेकानंद। तो यहाँ पे बनाना है हमें, पहले ही आपको पता चल गया पहला कौन सा है, विवेक। पहला कौन सा है, विवेक। हाँ, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, नंद। पिताजी कौन थे, विश्वनाथ दत्त थे, और माता कौन थी,
माता थी। तो यह एक प्रश्न आप लोगों को दिया गया है। अब भी दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है, विवेकानंद की रुचि किसमें थी, उनकी रुचि किसमें थी, वह किसमें रुचि रखते थे, किसमें हाँ व्याख्यान देने और किसमें विचारों का आदान प्रदान करने में उनकी विशेष रुचि रही, वो लिखेंगे आप यहाँ पे। जैसे मैंने अभी सिर्फ दो ही प्रश्न आप लोगों को दिया है, उन दो प्रश्नों का उत्तर आप क्या करेंगे, बखूबी से अच्छे ढंग से आप इसको लिख कर ले आएंगे। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया आपको कि जो भी यहाँ पे व्याकरण के अंश हम यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं उसको क्या करना है, अच्छे ढंग से और क्या है, अच्छी बदतनी के साथ, सही बदतनी के साथ आपको अपनी वही में लिख के लाना है। और इसका जो अगला भाग है हम अगली कक्षा में इसको देखेंगे। समझ गए ना पाठ अर्थ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬರಹದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಧನ್ಯವಾದ